फ्रेंड्स, दिस इज कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्टर एवरीडे। तो गाइस, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। तो वो होगा बेसिकली उस टॉपिक पे कि जो हमारी बुक्स हैं सीबीएसई बच्चों के लिए, स्पेशली गाइस सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये गाइस उनके लिए है जो बच्चे अब 10th में आए हैं इस साल, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कौन सी बुक्स जो है वो बेस्ट है, जो आपको रिफर करनी चाहिए आपकी स्टडीज के लिए, और जो सैंपल पेपर आपके लिए बेस्ट है। तो मैं सारी आज बुक्स बताऊंगा जो आप रिफर करें और अच्छे से, जिनसे आपकी स्टडीज हो सकती है और जिसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा। तो उससे रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, खासकर अगर आप 10th सीबीएसई में है इस साल जो 10th में है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सारी बुक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बुक्स टॉपर्स ने करी थी प्रीफर, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनके भी अच्छे मार्क्स आए थे, आपके भी गारंटीड अच्छे मार्क्स आएंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक है जो हम प्रीफर करनी चाहिए, कि अगर आप 10th क्लास सीबीएसई में आए हैं तो आपको कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे पढ़ना चाहिए। मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी, ये सब आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सैंपल पेपर हैं जो आपको लेने चाहिए। पहली बात गाइस, जो बेस है, मतलब वन थिंग टू रिमेंबर है, और जो चीज़ को आप इम्पॉर्टेंट देना है वो है एनसीईआरटी बुक्स। आपको अपने फर्स्ट पे रखना है जो इम्पॉर्टेंट बुक जो आपको प्रीफर करनी है, जो मैं बुक्स बताऊंगा उस सबसे भी ऊपर रखना है इस बुक्स को, वो बुक है एनसीईआरटी बुक्स। तो इस बुक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको, इसको सबसे हाई लेवल पे रखना है इस बुक को। और ये बुक से ही आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको पता चल जाता है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो इस बुक को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इससे ही ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। तो इस बुक्स को इंपॉर्टेंस देने के अलावा आपको इसको ये भी देना है कि आप इससे पढ़ रहे हैं, इससे समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी पढ़ाई हो जाती है तो फिर आपके लिए आगे कुछ और बुक्स हैं जिन्हें प्रीफर करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं गलती कर रहे हैं कि वो 10th में आने के बाद सीबीएसई बुक परचेज नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि ये सीबीएसई जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th का, उनको हाईली रिकमेंड किया गया है कि एनसीईआरटी बुक से प्लीज़ पढ़िए। जो भी प्रैक्टिस वगैरह है आपको स्टडी करनी है, एनसीईआरटी बुक से प्लीज़ करिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी बुक से ही बन के आता है। जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आपकी टॉप और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पहले एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई होनी चाहिए, फिर जो प्रीफर बुक हैं जो मैं बताने वाला हूँ उनसे पढ़ाई होनी चाहिए। तो इस बुक को आप टॉप पे रखिए बिल्कुल, पढ़ेंगे तो पहले इससे ही पढ़ेंगे, पूरा इससे कंप्लीट करेंगे सिलेबस, फिर आगे किसी और बुक को अहमियत दी जाएगी। और ये सोच लीजिए कि इससे तो पढ़ना ही है कम से कम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये इसका टाइटल दे दीजिए कि कम से कम, किसी और से नहीं तो कम से कम इससे तो पढ़ना ही है। जब आप एनसीईआरटी स्टडी कर लो, मतलब उसमें सारे क्वेश्चन आंसर आप स्टडी कर लो, सारे चैप्टर रिवाइज मान लो और अच्छे से सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर लो, उसके बाद अगर आपको रिवीजन के लिए कोई बुक प्रेफर करनी चाहिए तो मैं बताता हूँ कौन कौन सी बुक है जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा। अगर आप एनसीईआरटी फुल प्रिपेयर कर चुके हैं, उसके अलावा आगे रिवीजन करने के लिए कौन सी बुक आपको देखनी चाहिए, तो वो बुक्स मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं साइंस की बुक के साथ, कि साइंस में कौन सी बुक है जिसको आपको एनसीईआरटी के बाद अहमियत देनी चाहिए, जिसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में जो बहुत ज़्यादा बुक है जिसे अहमियत दी जाएगी एनसीईआरटी के बाद, वो है एस चंद की, जो साइंस के लिए होती है प्रीफर की जाती है, कि साइंस में अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक करना चाहते हैं तो वो एस चंद की जाए। इस बुक्स में गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो इसमें टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और सारे टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं, कि एनसीईआरटी में जो है वो इस बुक्स में भी अच्छे से समझाए गए हैं। दिस बुक इज क्रिएटेड बाई फोकसिंग इन एनसीईआरटी सिलेबस। तो इस बुक में सारा कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सब कुछ इंपॉर्टेंट के साथ सब कुछ अच्छे से समझाया गया और ईजी वे में सब कुछ बताया गया है। इस बुक में बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें सब ये बुक गाइज ऑसम है और बहुत ईजी है, और इसमें मिस्टेक जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत सालों से सारे बच्चे इस बुक को प्रेफर कर रहे हैं, और अब इस टाइम पे ये बुक सुपर डुपर हिट हो चुकी है, सबके सब बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं। जो टॉपर्स हैं उन सब ने इस बुक को प्रेफर किया था साइंस के लिए, तो आप भी इस बुक को प्रेफर कीजिए ताकि आपके भी साइंस में बहुत बढ़िया मार्क्स आएँ। अब सेकेंड बात कर लेते हैं कि सैम्पल पेपर कौन से प्रेफर किए जाएँ, कि अगर आपको सैम्पल पेपर साइंस में करने हैं सॉल्व तो कौन से किए जाएँ, किस कंपनी के किए जाएँ, किस पब्लिकेशन के किए जाएँ, तो वो होगी गाइस ओसवाल और अरिहंत। ये बात ऑब्वियस है कि जो हमारे सैंपल पेपर है वो एग्जाम टाइम पे ही सॉल्व किए जाते हैं, उससे 2-3 महीने पहले ही बच्चे एग्जाम टाइम से पहले ही सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम ये सैंपल पेपर, ताकि उनका प्रिपरेशन हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि वो कितना प्रिपेयर कर चुके हैं अपने एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए, कितना पढ़ चुके हैं। जो ओसवाल और अरिहंत के सैंपल पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और हर साल सैंपल पेपर रिलीज होते रहते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के आते रहते हैं। तो उसके साथ में कोई और सा सैंपल पेपर अच्छा होगा तो मैं टाइम टू टाइम आपको बता दूंगा कि कौन सा आपको प्रीफर करना चाहिए, लेकिन अभी ओसवाल और अरिहंत के आपको करने चाहिए प्रीफर, जिसमें बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन वगैरह डिस्प्लेज और पूछे गए हैं। मैंने भी इन सब सैंपल पेपर्स और बुक की हेल्प ली थी अपने टाइम पे, आप भी इनसे हेल्प ले सकते हैं, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी और मेरे भी इनमें अच्छे मार्क्स आए थे इनके सैंपल पेपर की प्रैक्टिस की वजह से।
अब टॉक करते हैं कि मैथ्स की बुक के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए अगर मैथ्स आपको सॉल्व करना है तो भाई पहले करते हैं कि एक ही मंत्र है मैथ्स के में, अगर बुक कोई सी आपको पढ़नी है तो एक ही बुक है वो। पहले उसकी बुक मैं बताने से पहले आपको बता दूंगा जो मैथ्स का सिलेबस है वो 90% एनसीईआरटी से आता है और जो बाकी बचा 10% है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मैं उसके लिए मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, 10% ऊपर नीचे हो जाता है कहीं और से भी। और जो ये बुक है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी के हाई लेवल से हाई होते हैं, उनके हाई लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े एनसीईआरटी से ट्विस्ट करते हुए होते हैं। तो उन सब ट्विस्ट को कवर अप करने के लिए आप आरडी शर्मा को पढ़ सकते हैं ताकि ये सब जो ट्विस्ट हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर सकें और अच्छे से मैथ्स प्रिपेयर कर सकें। गाइज ये जेन्युइन रीज़न है कि जो आरडी शर्मा होती है बहुत मोटी बुक होती है, बहुत बच्चे से देख के डर जाते हैं। ये जेन्युइन है कि बहुत बच्चों से देख के डर जाते हैं, लेकिन गाइज वो बुक कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स मतलब कॉम्पिटिटिव बेस्ड बुक है, उसमें एग्जाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उससे एनसीईआरटी मैथ्स के जो सवाल आते हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड आते हैं, वो मतलब आरडी शर्मा से ही आते हैं। और जो आपके स्कूल में टीचर्स हैं वो भी आरडी शर्मा से ही आपको पढ़ाते हैं और इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल वास्ट होता है, तो आपको इससे बिल्कुल डरना नहीं है। जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आरडी शर्मा के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल से ही पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको इससे डरना नहीं है, इससे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपके मैथ्स में मार्क्स बहुत बढ़िया आए। अब सैंपल पेपर की बात करें कि मैथ्स में कौन से सैंपल पेपर आपको लेने चाहिए, तो गाइस वो अरियंत के हैं, लास्ट 10 ईयर्स के बच्चे सॉल्व करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो 10 ईयर्स आप अरियंत की ले सकते हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के सारे पेपर्स, सारे लास्ट 10 साल के पूरे सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल स्टडीज़ का। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स और साइंस के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं इस सब्जेक्ट से, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं बच्चों को याद करने में, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है ये सब्जेक्ट। बस एक चीज़ याद रखना, जो मंत्र है वो मंत्र आप याद रखना कि एवरग्रीन में अगर आपको पढ़ाई करना है तो वो बुक होनी चाहिए एवरग्रीन। अगर आपको अगर आपको सोशल स्टडीज की पढ़ाई करनी है तो सिर्फ एवरग्रीन से करिए, बहुत बढ़िया बुक है, इस मंत्र को याद रखिए। इस सोशल स्टडीज वाली बुक, सोशल स्टडीज के लिए अगर आप किसी बुक को प्रेफर करना है तो सिर्फ एवरग्रीन से पढ़िए। ये ऐसी बुक है जो प्रिपेयर करती है आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हैं। और जो सैंपल पेपर आपको सोशल स्टडीज़ के लिए लेने चाहिए वो हो सकते हैं ओसवाल और अरियंत के। मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ सब में, अगर किसी में भी लेना है तो ओसवाल और अरियंत के लिए बहुत अच्छे हैं, वो एग्जाम टाइम पे अवेलेबल हो जाते हैं सैंपल पेपर। और गाइस सैंपल पेपर और इन सबको बुक्स को जो प्रीफर कर रहा हूं मैं, उनसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं ये सारी साइंस मैथ्स और मैं जो एनसीईआरटी के बाद प्रीफर करनी है उनको पहले आपको लेवल पर रखना है ताकि पहले उनसे आप प्रिपेयर कीजिए, फिर आप सैंपल पेपर की तरफ पढ़िए कि आपका अगर उसमें प्रिपेयर हो चुका, पूरी स्टडीज हो चुका, पूरा उसमें रिवाइज हो चुका है तो आप सैंपल पेपर प्रिपेयर कीजिए, सैंपल पेपर से फिर बाद में क्वेश्चन कीजिए। और अगर आप इस एवरग्रीन के बुक के अलावा कोई और सी बुक चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, वो है एग्जाम आइडिया, उससे भी आप प्रिफर कर सकते हैं एवरग्रीन के अलावा, वो भी एक अच्छी बुक है, वो उसमें से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है उसमें भी क्वेश्चन। उसमें आपके सारे चैप्टर्स को बिल्कुल चार्ट वाइज डिस्प्ले किया गया है, एग्जाम आइडिया वाली बुक में आपके सारे चैप्टर्स हैं उनको अच्छे समझाया गया है बिल्कुल चार्ट वाइज ताकि आपको सबको डिटेल में पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि उस चैप्टर में है क्या और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ की समरी है, सब चीज़ की ब्रीफ डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, उसमें सब कुछ अलग अलग बताया गया है। बट एक ही रिकमेंडेशन है कि इस बुक को आप एवरग्रीन के बाद कीजिए, एवरग्रीन इससे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आपको इसके बाद कोई और सी बुक भी चाहिए तो वो एग्जाम आइडिया, मैं इसलिए बता रहा था कि अगर आपको एवरग्रीन के अलावा कोई और सी बुक भी चाहिए मदद के लिए तो एग्जाम आइडिया कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले एवरग्रीन करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश में कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, वो तीनों है गाइस अरियंत, गोल्डन बुक और MBD की। आपके पास तीन चॉइस है, कोई सी बुक आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। MBD बुक है, उसमें सब कुछ बिल्कुल एलाबोरेट करके बताया गया है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ये भी मैं मना नहीं कर रहा कि वो दोनों अच्छी नहीं है, गोल्डन बुक और अरियंत, सब बुक अपने में बहुत बढ़िया हैं, सब बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल पे हैं, सब में अच्छे अच्छे से एलाबोरेट करके बताया गया है, लेकिन मैं बता रहा था कि MBD में अच्छे से एलाबोरेट करके अलग अलग तरीके से बताए गए हैं क्वेश्चन आंसर। अब बात करें हिंदी के बारे में, तो हिंदी में कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए। हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गोल्डन बुक ही लें, गोल्डन बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से हिंदी में समझाया गया है। अगर सेकंड बुक मैं बताऊं तो वो ऑल इन वन है, अगर आपको हिंदी में गोल्डन बुक के अलावा कोई और चीज़ लेनी है तो वो ऑल इन वन आप प्रेफर कर सकते हैं। बट गोल्डन बुक इज मोर प्रेफर्ड देन ऑल इन वन, बिकॉज इसमें सारे क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, सब भावार्थ और समरी डिटेल अच्छे से बताई गई है इसमें। तो यही सारी बुक्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। और अगर आपने 10th में कंप्यूटर साइंस लिया है तो उसके लिए कोई अलग सी बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो टेक्स्ट बुक आपके स्कूल वाले प्रेफर करने के लिए आपको बोलते हैं वो बुक से आप पढ़िए, वो भी बहुत अच्छी होगी अगर आपके स्कूल वाले बता रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट आपको पब्लिकली कोई बुक्स इशू करने को कहते हैं
कोई वो एनसीईआरटी नहीं लगवाते हैं, वो सिर्फ आपको प्राइवेटली बुक्स लगवाते हैं अलग अलग सी। एनसीईआरटी तो आपको खुद करनी होती है, खरीद के लानी होती है। तो गाइस यही सब मेरी तरफ से प्रेफर बुक थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और इन केस अगर आपके पास संस्कृत भी है तो आप गोल्डन बुक ले सकते हैं, उसके लिए भी वो भी बहुत अच्छी है अगर संस्कृत के लिए आप प्रेफर करना चाहते हैं। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर आपको किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं होगा इन बुक्स को खरीदने के बाद। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको एनसीईआरटी को बेस लेके चलना है, बिल्कुल सबसे हाई टॉप प्रायोरिटी लेके चलना है। जो एनसीईआरटी में नहीं है टॉपिक्स वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो अगर यही सब बुक्स थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एनसीईआरटी को अपने टॉप पे रखिए, फिर जो बुक्स मैंने प्रेफर करने को बोली है वो पढ़िए, फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। इस तरह से आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे सीबीएसई जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं 2021 में। तो ये सारी बुक्स मैं आपको प्रेफर करता हूँ गाइस, इन बुक्स से अगर आप प्रेफर करते हैं तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो गाइस दिस वाज द वीडियो, अपने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कौन सी बुक्स है जो प्रेफर कर दी जाती है 10th में। तो गाइस अपनी वीडियो बिल्कुल शेयर करना, और गाइस अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर करना, लाइक भी करना। और आज के लिए बस इतना ही, अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, और अगर कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना भाई जी, शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट बात जो बताता हूँ आपको वो आपके दोस्त भी पता, आप उनको भी बता पाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, तब तक के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, बाय।